हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन में। एक बार पुणे में राजू शर्मा आपके सामने साइंस के बेसिक फंडाज के साथ चैप्टर को पूरा कराने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। CBSE इंग्लिश मीडियम साइंस हमने देखा था, कल कुछ बेसिक्स देखे थे और टॉपिक भी साथ में किए थे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज वो वाला दिया था, देखा था हमने। उसमें से फिजिकल और केमिकल, उसमें मेन था केमिकल चेंजेज। केमिकल जो चेंजेस था उसमें न्यू सब्सटेंस बनना था, इरिवर्सिबल ये चेंजेस थे, और ये कैसे थे, स्टेबल थे ये चेंजेज। और केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेज जो होते हैं ये पाए जाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें केमिकल चेंजेज दिखाई देते हैं। फिर हमने उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा था, केमिकल रिएक्शन जो थी केमिकल चेंजेज के फलस्वरूप होती है, नए पदार्थ बनते हैं। उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन की तरफ बढ़े थे, लेकिन उससे पहले वर्ड इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, तब बना था वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन के बाद फिर और शॉर्टेस्ट फॉर्म कर दिया था उसका, सिंबल एंड फॉर्मूलेज की हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन को बोला था हमने केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन थे, उसके दो पार्ट थे, एक था अनबैलेंस्ड एक बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो थी उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो थे उसमें नंबर ऑफ एटम जो थे किसी भी एलिमेंट में, नंबर ऑफ एटम जो थे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड के हमने देखे थे, वो कैसे थे अनबैलेंस्ड में, इक्वल नहीं थे। जबकि बैलेंस्ड जो थी केमिकल इक्वेशन उसमें दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में हमें नंबर ऑफ एटम क्या करने पड़ते हैं, वैलेंस करने पड़ते हैं। वैलेंस करने का हमने लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने वैलेंस करना सीखा था। कुछ चीज़ें हमने देखी थी, वैलेंस किस तरह किया जाता है। एक बार पुणे में आपके सामने बहुत सारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लेके आया हूँ, दोबारा से एक बार देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस्ड करते हैं। वो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम होता है किसी भी इक्वेशन को ये देखते हैं कि वो अनबैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड है, क्या वो वास्तव में ही अनबैलेंस्ड है। अगर वो अनबैलेंस्ड नहीं है, वो बैलेंस है, तो फिर उसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम, किसी भी हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को देखते हैं या किसी एक को देख लेते हैं, एक भी डिफरेंट हुआ तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये पूरी जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी है, अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ देखिए फॉस्फोरस के कितने हैं, चार हैं, यहाँ फॉस्फोरस के दो हैं, तो अपने आप पता लग गया ये पूरी केमिकल इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस पूरे फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूला होगा उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये देखा था हमने। बॉक्स में बंद करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है जिसमें एटम सबसे ज़्यादा है। तो फॉस्फोरस में यहाँ कितने हैं, फोर है, यहाँ फॉस्फोरस के टू हैं, ऑक्सीजन यहाँ टू है, ऑक्सीजन के यहाँ फाइव है, तो मैक्सिमम नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर टू है। तो अब ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि यहाँ किस तरह करें इसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जहाँ फाइव होता है उसका टू से मल्टीप्लाई, और टू होगा उसे फाइव से मल्टीप्लाई। तो देखिए टू वाला इसे फाइव से कीजिए और फाइव वाला इसे टू से कीजिए। तो अब देखते हैं फॉस्फोरस के कितने हो गए, फोर। फॉस्फोरस के देखिए टू टू जा फोर, ऑक्सीजन के देखिए टू फाइव या टेन, ऑक्सीजन के आगे फाइव टू या टेन। तो इस तरह से ये हमने बैलेंस कर लिया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, Fe वाला। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो देखेंगे कि ये अनबैलेंस्ड है भी है कि नहीं। Fe के यहाँ एक है, यहाँ Fe के तीन, थ्री है यहाँ पर, तो यहाँ अपने आप पता लग गया ये अनबैलेंस्ड है। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देंगे, बॉक्स में से बंद कर देंगे। मैंने आपको बताया था बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते, बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला फिट हो गया
पैक हो गया उसके बाद उसे किसी भी प्रकार से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एफ ही यहाँ वन है या थ्री है आप लिख सकते हैं, जगह नहीं बची है थोड़ी, दो एफ के वन है, यहाँ कितना है थ्री है। एच के देखिए, एच के यहाँ टू है, एच के यहाँ टू है। ओ के देखिए यहाँ वन है, यहाँ फोर है। तो मैक्सिमम नंबर वाला एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, या एलिमेंट कौन सा है जिसके अंदर एटम कितने हैं फोर, ऑक्सीजन के फोर है और यहाँ कितना है वन। तो अपने आप देखिए सबसे बड़ा यही नंबर है, तो इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं है कि अंदर करेंगे, अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल हमें आगे फोर लगा देंगे, फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोबारा से देखते हैं कि कितना हुआ, एफ ए कितना है वन, एफ ई का यहाँ कितना है थ्री। हाइड्रोजन देखिए, अब हाइड्रोजन कितना है टू, टू जा टू, फोर जा एट। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ टू ही है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे फोर, फोर बन जा फोर हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है फोर। तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो यहाँ कंप्लीट यानी बैलेंस्ड हो गया। अब सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, अब हाइड्रोजन है मैक्सिमम नंबर वाला। कितने हाइड्रोजन के टू, फोर जा एट, यहाँ हाइड्रोजन के टू है। तो हम क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फोर से, फोर टू जा एट। तो एक तरह से हाइड्रोजन भी क्या कर लिया हमने, बैलेंस कर लिया। अब केवल और केवल क्या बचा है हमारे सामने, आयरन बचा है। आयरन के यहाँ कितने हैं थ्री है, यहाँ कितना वन, कम बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई है थ्री से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम बैलेंस करते हैं, ये भी बैलेंस्ड हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसको, सी कितने यहाँ थ्री है, सी का कितना है वन। तो अपने आप समझ जाइए अनबैलेंस्ड है, ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में सभी को बंद करेंगे, ब्रैकेट में कर दिया। इसके बाद फिर देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है, कार्बन के कितने हैं थ्री, कार्बन का यहाँ वन, हाइड्रोजन के एट, हाइड्रोजन के यहाँ टू, ऑक्सीजन का टू, ऑक्सीजन का वन। मैक्सिमम नंबर किसका है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आठ है, उधर हाइड्रोजन का कितना है दो। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से, फोर से करेंगे, फोर टू जा एट। तो हाइड्रोजन के यहाँ बैलेंस। इसके बाद अब देखिए, अब कौन सा सबसे मैक्सिमम नंबर वाला है, कार्बन के कितने हैं थ्री, वहाँ कार्बन का कितना है, कार्बन का वन है। तो मैक्सिमम नंबर यही बचा, कार्बन का यहाँ थ्री कर देंगे। देखिए अब खुद देखिए, कार्बन के थ्री हो गया। ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर टू, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, अब देखो टू थ्री जा सिक्स एंड फोर वन जा फोर, सिक्स प्लस फोर कितने हुए टेन। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं टू, तो कंप्लीट करने के लिए ऐसे बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दोबारा से एक बार और देखते हैं, कार्बन के कितने थ्री, कार्बन के थ्री चलो फ्री, हाइड्रोजन कितने एट, हाइड्रोजन के देखिए टू फोर जा एट, ऑक्सीजन देखिए टेन, ऑक्सीजन के देखिए टू थ्री जा सिक्स एंड फोर टेन। तो ये भी बैलेंस्ड। इसके बाद देखिए इसको देखिए, वेरियम यहाँ पर एक है, यहाँ वेरियम एक है। क्लोरीन देखिए Cl, Cl कितना यहाँ दो, वहाँ Cl कितना एक, इसका मतलब ये क्या है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड है। तो बॉक्स में बंद करेंगे, सभी को बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद करने के बाद अब देखो, बेरियम कितना है यहाँ वन, यहाँ बेरियम वन, क्लोरीन कितने टू, क्लोरीन यहाँ वन, सोडियम यहाँ टू, सोडियम यहाँ वन, एस कितना है वन, एस कितना है वन, ओ कितने हैं फोर, ओ कितने हैं फोर। अब मैक्सिमम नंबर का मतलब डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर तो फोर दिख रहा है आपको, लेकिन फोर यहाँ भी है वहाँ भी है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, कहने का मतलब इक्वल है। सल्फर एक है, ये एक है, तो बेरियम वन है, यहाँ वन है, किस में डिफरेंस है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितने हैं यहाँ टू, क्लोरीन कितना है यहाँ वन, सोडियम कितना है वन, सोडियम कितना है टू। तो किसी एक को आप बैलेंस कीजिए, मान लो क्लोरीन को करते हैं, क्लोरीन के यहाँ दो हैं टू है यहाँ पर, और क्लोरीन के यहाँ कितना वन। तो बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। अब क्लोरीन हमने किया साथ के साथ में सोडियम के भी टू हो गए, और वही हम चाहते थे, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कैल्शियम वन है, कैल्शियम वन। अब ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं या एटम प्रेजेंट हैं उनके आगे यहाँ पर देखो, ब्रैकेट के बाहर ये टू लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के दो हों ना,
इसका मतलब है ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के दो 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 एटम यहाँ प्रेजेंट हैं। तो देखिए कैल्शियम का कितना, वन, कैल्शियम का यहाँ वन, ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं टू, ऑक्सीजन के यहाँ कितना है थ्री, तो टू प्लस थ्री कितना हुआ फाइव। इधर देखिए ऑक्सीजन के थ्री तो यहाँ है लेकिन बाहर वाली जो डिजिट होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, तो ऑक्सीजन के यहाँ सिक्स और एक ये रहा सेवन, तो यहाँ थे ऑक्सीजन के फाइव और वहाँ थे सेवन। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कैसी रिएक्शन है, वो कैसा इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैक्सिमम नंबर किसका आ रहा था, देख खुद ही अभी पता लगा था, कैल्शियम को वन, कैल्शियम को वन, ऑक्सीजन के यहाँ तो थे टू और यहाँ थ्री, वहाँ देखिए ऑक्सीजन के सिक्स और यहाँ वन, यहाँ टू प्लस थ्री है, वहाँ थे सिक्स प्लस वन, ऑक्सीजन के सिक्स और एक वन, सिक्स प्लस वन। अब ऐसा क्या किया जाए कि हम इसे बैलेंस कर सकें, तो देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि हम इवन नंबर में कर लेते हैं। किस तरह इवन नंबर में, कि सपोज दैट यहाँ देखिए थ्री टू जा सिक्स और यहाँ वन, तो ये तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर में जनरली और के क्या नहीं होता, वैलेंस नहीं होता। तो वैलेंसिंग पूरा करने के लिए जनरली हम इवन नंबर में करते हैं, आपके लेवल पे इतना ही है, लेकिन हालांकि ये भी है ऑड नंबर से भी हो जाता है, लेकिन अब जनरली हम देखते हैं, देखो आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं एटम, यहाँ फाइव है यहाँ और यहाँ सेवन है। तो ऐसा करते हैं, इसमें अगर कोई हमने मल्टीप्लाई किया तो ये डिजिट और भी बड़ी हो जाएगी, इससे बढ़िया इस ऑक्सीजन को बढ़ाने के कंपेरिजन में इस ऑक्सीजन को यदि थोड़ा सा बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें हम नंबर का, तो ज़्यादा आसान रहेगा। और सबसे छोटी डिजिट जो होती है मल्टीप्लाई करने के लिए वो होती है टू, टू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ सिक्स है यहाँ कम से कम दो, टू से मल्टीप्लाई करो तो टू वन जा टू और थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू टोटल कितने हो जाएंगे सिक्स प्लस और टू यहाँ हो गया एट, तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे एट टोटल प्रोडक्ट साइड में। इधर साइड में देखिए यहाँ टू और ये है, तो अब किस तरह किया जाए कि ये बैलेंस हो जाए, वहाँ तो हो गया एट, हालांकि बार बार लगा लगा के देखते हैं, पेशेंस रखते हैं, बहुत बार फंस जाते हैं तो पेशेंस रखते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनसे, वो रामबाण एक मेथड होता है, कितनी भी टिपिकल या कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन आ जाए वहाँ आसानी से हो सकती है, लेकिन वो 11th 12th में आती है, वो भी मैं बता दूंगा आपके लिए क्या होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन के टू और यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्री, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वहाँ एट के इक्वल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करूँ, टू टू जा फोर और यहाँ थ्री, क्या हो सेवन हो जाएगा, यानी टू टू जा फोर और थ्री क्या हो गया सेवन, वहाँ हमें एट लाना है। अब इसमें करके देखिए, यदि हम यहाँ करें टू से, तो टू थ्री जा सिक्स और यहाँ टू है एट, तो इसका मतलब ये इक्वल हो रहा है। देखते हैं, कभी बहुत बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है, चलो यहाँ देखते हैं और देखते हैं, और हाइड्रोजन को देखते हैं, दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है टू और ये यहाँ पर कितना है टू, तो कितने हो गए फोर, वहाँ हाइड्रोजन देखते हैं, ओ टू टू जा फोर, इसका मतलब हमने ठीक किया था। इसके बाद नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर टू, मैंने आपको बताया था आगे जो डिजिट होती है उसको पूरे में मल्टीप्लाई होता है, नाइट्रोजन कितने यहाँ पर टू, यहाँ देखो नाइट्रोजन, इसको अकेला मत मानना, आगे नीचे क्या दे रखा है उसके ब्रैकेट के बाहर टू, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के कितने हैं टू। ये कोई नहीं लगाएगा कि नाइट्रोजन के यहाँ पर थ्री लग रहे हैं, थ्री ऑक्सीजन के हैं, ये नाइट्रोजन के नहीं है, नाइट्रोजन के कितने हो गए टू और यहाँ नाइट्रोजन के कितने टू, तो इसका मतलब हमारे सभी एलिमेंट के जो एटम हैं वो सभी क्या हो चुके हैं बैलेंस, इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और अगर ज़्यादा देखना है तो आप एक एक को एक बार दोबारा से देखते हैं, कैल्शियम देखिए यहाँ कितना है वन, यहाँ कैल्शियम वन, ऑक्सीजन देखिए टू और यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और टू कितने हो गए एट, यहाँ देखिए थ्री टू जा सिक्स और टू एट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन कितने टू टू, पूरा रिएक्टेंट साइड में जो भी होते हैं, ऐसा नहीं है इसी को देख लिया टू, पूरा देखते हैं एरो, एरो से पहले और एरो के बाद, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए 4, वहाँ देखिए 2 2 जा 4। इसके अलावा अब आपका बचा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने यहाँ पर 2 है, उसके अलावा नाइट्रोजन के यहाँ कितने 2, इसका मतलब ये बैलेंस। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट, ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट आइए N2 देखिए मैंने क्यों किया, ये क्यों लगाया है बॉक्स, नाइट्रोजन के कितने यहाँ 2 या नाइट्रोजन का कितना 1, इसका मतलब अनबैलेंस। तो तुरंत ही हम क्या करेंगे लगाया। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन चलो यहाँ लिख लेते हैं 2 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 3। तो आप सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 3 हाइड्रोजन के लिए आया है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। अब बड़ा लफड़ा हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन के 3 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ कितने 2 हैं, तो अब इसको किस तरह करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम किसी में मल्टीप्लाई करें 3 तो आ नहीं सकता, यहाँ पर 2 में किसी भी डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करें इससे 2 3 4 5 किसी का, तो 3 तो आएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब फंस जाती है 3 का 2 से मारिए, 2 का 3 से, किसी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 में 2 वाला करिए, मतलब ये यहाँ पर क्या करेंगे 3 से, और 2 कहाँ चले जाएगा यहाँ, मैंने ऊपर भी बताया था यहाँ भी बताया था ये बात। तो यहाँ देखिए अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ नाइट्रोजन ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो चुके हैं 2, हाइड्रोजन कितने 2 3 जा 6, और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इसका मतलब ये बैलेंस हो चुका है। अब आइए ये बिल्कुल ये तो हर कोई जानता है लेकिन नहीं भी जानता, ये हो गई, क्योंकि क्यों किया मैंने ये बॉक्स क्यों लगाया, अपने आप देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, अपने आप समझिए क्या है अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं बॉक्स लगाते हैं, बॉक्स लगाने के बाद ये 2 है, ये 2 है, इसको नहीं करेंगे, ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन 1, तो ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है यानी इक्वल है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। बच्चा कौन सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, तो पहले इसको करेंगे इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई है, ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे कि एक हमने डिजिट रखी और हो गया, नहीं, लास्ट में दोबारा से एक बार फिर देखते हैं कि कहीं कोई हमने जो डिजिट लगाई है उससे और कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने 2, यहाँ हाइड्रोजन ओहो यहाँ क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ 2 थे, तो अब क्या करेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन तो 2 था, और यहाँ भी देखो 2 बन जा 2, तो ऑक्सीजन और ये तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ 2 हैं, इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, अब जाके ये बैलेंस क्या हुई है, ये रिएक्शन मतलब इक्वेशन क्या हुई है बैलेंस। अब देखिए C+O2 = CO, ठीक है, अपने आप दिख ही रहा है आपको, देखो दिख जाता है, अपने आप देख के दिख जाता है, कोई भी एक आपको करके एलिमेंट आपको दिखता है अनबैलेंस तो अपने आप समझ जाते हैं हाँ ये अनबैलेंस ही इक्वेशन है। कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है, वहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, अपने आप समझिए अनबैलेंस्ड, इसलिए मैंने बॉक्स लगाया। बॉक्स लगाने के बाद देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, कार्बन 1 है, यहाँ 1 है, 1 को छेड़ेंगे नहीं, बचा क्या 2, मैक्सिमम 2 को करेंगे, उधर 1 है तो क्या कर दिया 2, अब वहाँ 2 लगाया लेकिन दिक्कत क्या आ गई, कार्बन भी 2 हो गया, यहाँ कार्बन कितना है 1, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से इसको भी क्या कर लेंगे बैलेंस। और देखिए ये बहुत ही सिंपल मैंने केमिकल इक्वेशन कराई है जो आपके लेवल पर है। और अब देखिए BaCl2+K2SO4 बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, ये क्या बनाते हैं बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, इसको देखते हैं। यहाँ देखो बेरियम Ba एक ही है, यहाँ एक है, क्लोरीन कितने यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन 1, अपने आप समझिए अनबैलेंस्ड है, तुरंत ही ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाने के बाद अब देखो बेरियम कितना है 1, बेरियम 1, क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब ये मत देखना कि मैक्सिमम नंबर वाला कौन सा है, अगर दोनों साइड में इक्वल है तो उसको नहीं छेड़ेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि दोनों साइड में इक्वल है, 1 यहाँ है, 1 ये है सल्फर, बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब देखिए मैक्सिमम नंबर आपको 2 दिख रहा है क्लोरीन के लिए और पोटेशियम के लिए,
तो क्लोरीन और पोटेशियम में से किसी एक को पकड़ लो और उसको बैलेंस करेंगे। क्लोरीन के यहाँ कितने हैं? टू। क्लोरीन के यहाँ कितना है? वन। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? टू से। अब यहाँ हमारा फ़ायदा क्या हुआ? क्लोरीन तो हुआ ही हुआ, साथ के साथ पोटेशियम भी, पोटेशियम के कितने हो गए? टू। तो पोटेशियम के भी टू करने थे हमें, और आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो चुका है। और देखिए Fe2O3, यहाँ पर Fe के कितने हैं? टू। वहाँ Fe का कितना है? वन। तो अपने आप समझिए अनबैलेंस्ड है। तुरंत ही ब्रैकेट लगाएंगे हम, ब्रैकेट लगा दिया, और उसके बाद ऊपर डिजिट लगी। Fe कितना है? टू। Fe कितना है? वन। ऑक्सीजन कितने हैं? थ्री। ऑक्सीजन कितना है? थ्री। एल्युमिनियम वन, एल्युमिनियम टू। ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, छेड़ेंगे नहीं। Fe यहाँ टू है, वहाँ Fe कितना है? वन। एल्युमिनियम यहाँ वन है, वहाँ टू है। किसी भी एक को, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, उसे हम कर सकते हैं। Fe के यहाँ टू है, Fe के वहाँ कितना? वन। तो उसके लिए क्या करेंगे? टू, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन और देखिए Fe के यहाँ टू, Fe के वहाँ टू हो गए। ऑक्सीजन के थ्री, ऑक्सीजन के थ्री। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम यहाँ वन है, एल्युमिनियम के यहाँ कितने हैं? टू। तो टू के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा और भी देखिए, दूसरा भी मेथड होता है। एक दूसरा मेथड क्या है? C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये यहाँ भी कराया है। एक और तरीका होता है कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं C3 है, वहाँ 1 है। ये वहाँ भी करा रखा है, ये रहा थर्ड नंबर वाला वो, और देख लो उसको, देखिए अनबैलेंस्ड है। तो हमने क्या कर दिया? बॉक्स लगाया। बॉक्स लगाने के बाद एक तरीका है, पहले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य जो एलिमेंट होते हैं, अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट होगा उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कौन सा है? कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो। एक तरीका है, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के अदर जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करो। वो बैलेंस हो जाए उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर लाइए। हाइड्रोजन हो जाए तब उसके बाद सबसे लास्ट में लाइए ऑक्सीजन को। तो ये एक तरीका है, इससे भी हो सकता है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद क्या बचा? कार्बन। कार्बन कितना है? थ्री। वहाँ कार्बन वन, तो थ्री से मल्टीप्लाई। अब हमने देखा कार्बन हमने बैलेंस कर लिया, अब दूसरे नंबर पे किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना है? एट। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? दो। तो इसके लिए क्या करेंगे? फोर से मल्टीप्लाई। फोर टू जा एट। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे किसका, थर्ड किसका नंबर आएगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? टू। ऑक्सीजन यहाँ देखो, टू थ्री जा सिक्स एंड फोर। ऑक्सीजन के कितने? फोर। फोर और सिक्स कितने? टेन। यहाँ कितने हैं? टू। तो कितना, कितने का मल्टीप्लाई करें? इक्वल हो जाए फाइव। तो अदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अदर कोई भी एलिमेंट आए पहले उसको कीजिए, उसके बाद फिर हाइड्रोजन के कीजिए, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को। ये भी एक तरीका है करने का। और 11th 12th में बहुत लंबी लंबी रिएक्शंस, मतलब ये इक्वेशन आ जाती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं। तो उसके लिए तरीका है कि सबसे पहले कीजिए मेटल को बैलेंस, फिर आप कीजिए नॉन मेटल को बैलेंस, फिर आप कीजिए ऑक्सीजन को वैलेंस, और सबसे लास्ट में कीजिए हाइड्रोजन को। ये एक रामबाण फॉर्मूला है। कितनी भी टिपिकल केमिकल इक्वेशन आ जाए अनबैलेंस्ड, उसको हम वैलेंस कर सकते हैं। इससे सबसे पहले मेटल, ठीक है, मेटल को वैलेंस करेंगे। अब मेटल आपको मैंने कल एक टेबल भी कल या नहीं सॉरी मेटल मैं बता दूंगा कौन कौन सी होती है, मेटल्स, नॉन मेटल। मेटल को करने के बाद जैसे नॉन मेटल को कुछ भी हम उसमें चेंज करते हैं तो तुरंत फिर दोबारा मेटल को देखते हैं, फिर नॉन मेटल को, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे। इन स्टेप को फॉलो करके हम कितनी भी टिपिकल या कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, हाँ तो बच्चों आज हमने अनबैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन को वैलेंस करना सीखा। कल हम केमिकल रिएक्शंस जो होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, वो वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन, और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ये सभी रिएक्शन धीरे धीरे करके हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।